नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बड़ी में। और हमको तो आप जानते ही होंगे कि हम हैं जयेश जांगिड। हम क्या पढ़ाएंगे आपको? हम पढ़ा रहे हैं FM, तो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज का लेक्चर सेकंड है ये। तो चलिए आगे पढ़ाई करते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। क्या होता है ये? ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डायमेंशन लेस होता है ये, यूनिट लेस होता है ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या? रिलेटिव डेंसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में? जी या फिर RD, या किसी किसी जगह वहां पर आपको S भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए कंप्रेसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे ही हम कंप्रेसिबिलिटी की तरफ चले, हमें क्या दिखा? एक गड़बड़ दिखी। क्या गड़बड़ है वो? अरे भैया, कंप्रेसिबिलिटी का जो सिंबल है ना, ये थोड़ा सा गलत टाइप करने में आ गया हमारे से। जो कंप्रेसिबिलिटी सिंबल होता है ना, वो होता है बीटा। आई बात समझ में? के किसका सिंबल है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सोम की क्लास में, के सिंबल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। आज थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे क्योंकि काफी डिटेल के अंदर पढ़ाना है आपको विस्कोसिटी। जब हम इसकी बाद की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए। तो फिर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ये एक रेसिप्रोकल होता है किसका? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। चलिए चलते हैं ब्लैंक पेज पे। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है? के की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? के किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। होता है? नहीं होता? होता नहीं है? तो स्ट्रेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो, फ्लूइड फ्लो के अंदर स्ट्रेस को तो हम ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं, हम प्रेशर को प्रेफरेंस देते हैं। स्ट्रेस की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर डीपी। डीपी क्या है? चेंज इन प्रेशर, या फिर एक छोटू सा प्रेशर मान लो डीपी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। और अगर मैंने माना कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आएगा नेगेटिव। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हम। आगे बात समझे, तो हमें क्या पता है बीटा किसके बराबर होता है? 1/k के। k की वैल्यू क्या लिखी हुई है सामने? उल्टा कर दो इसको, माइनस के dv अपॉन में v अपॉन में डीपी। हेलो भैया, खत्म। इतना सा ही तो खेलता है यार, इसमें क्या घबराना है। तो बस यही है। अब जो पॉइंट आता है आप लोगों के काम का, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो है लिक्विड के केस में बीटा की वैल्यू और गैसेस के केस में बीटा की वैल्यू। चलो इसको लाइन खींच देते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं। खींच दिए, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर बात कर लेते हैं हम। देखो, लिक्विड की बात करी, जब हमने क्या देखा था कि क्या लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है? देखो, नॉर्मली बात करें हम, मैंने क्या बताया था आपको कि एक बॉटल के अंदर अगर 1 लीटर पानी भरा हुआ है, इसको अगर आप कोई टब या बकेट के अंदर खाली करेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। पर गैसेस के केस में क्या था कि अगर 1 लीटर के कंटेनर के अंदर 1 लीटर गैस रखी हुई है, जैसे उसको आप 20 लीटर के कंटेनर के अंदर डालेंगे, तो वो 20 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है? देखो, मास तो फिक्स ही होगा ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास तो फिक्स होगा किसी भी चीज का। भैया, मास में क्या चेंज हो सकता है? मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो पढ़ा होगा ना कंजर्वेशन। वो मास तो हम हर जगह लगाते हैं, तो मास तो कांस्टेंट हो गया। चेंज क्या हो सकता है यहाँ पे? वॉल्यूम।
वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लिक्विड के केस में क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं मतलब डेंसिटी भी चेंज नहीं, तो लिक्विड की केस में डी रो आ जाता है जीरो। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या चेंज नहीं होगा इसका? बीटा भी तो चेंज नहीं होगा भाई। लिक्विड के केस में हमने क्या देखा था कि इनकम्प्रेसिबल होता है या नहीं होता है? बेसिकली अभी इंटरकनेक्ट करके समझ लो, बहुत हल्का सा सवाल बनने की संभावना है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है यहाँ पर। तो डी रो इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब बीटा भी जीरो हो जाएगा भाई। अगर हमने क्या पढ़ा था, देखो ऊपर चलो, ये रहा, किसी का वॉल्यूम चेंज ही जीरो आ गया भाई, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा ना, डी भी जीरो आ गया, मतलब पूरा बल्क मॉडुलस ही जीरो हो गया, इसलिए बल्क मॉडुलस, वो बल्क मॉडुलस क्या, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो गई। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई, मतलब क्या है, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, समझे? तो आपको केवल ये जो बीटा की वैल्यू जीरो है ना, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, ये हमें किस तरह से पता चलता है? तो वहां पर दे देगा बीटा जीरो, के जीरो, कुछ भी दे देगा। कभी कभी शायद हो सकता है कि के की वैल्यू इन्फिनिटी भी दे दे हमारे को, क्योंकि के इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब वन अपॉन के अंदर वैल्यू होती है, तो जीरो को जैसे आप वन के डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू पहुंच जाएगी। फिर बात कर लेते हैं हम गैसेस के बारे में। गैसेस का मैंने बता दिया वॉल्यूम चेंज हो रहा था, मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, डेंसिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब बीटा की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट नहीं है, आगे बात समझ ले, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो चेंज इन डेंसिटी होगा, चेंज इन डेंसिटी हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया, तो बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, जीरो तो नहीं हो गई ना, आई बात समझ में? क्या बात है यार, बड़े समझदार हो रहे हो, है क्या बात है। फिर बात कर लेते हैं हम, बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये कैसा फ्लूइड हो गया, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया ये, कौन, गैस, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है लिक्विड। और ये मैंने आपको जब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे मैंने समझा भी दिया था, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। कंप्रेसिबिलिटी मैंने पूरा बता ही दिया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन अपॉन में के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं के, के की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जो मैंने आपको समझा भी दिया डिटेल के अंदर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, एक और आपको मैं यहाँ पर इंक्लूड शायद करा है या नहीं करा, मैंने देखता हूँ, हाँ मैं नहीं करा वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, वेट, वेट डेंसिटी भी बोला जाता है उसको। डिनोट किससे किया जाता है, उसका सिंबल होता है गामा, सारे गामा पा वाला नहीं, ये वाला गामा, ठीक है। तो गामा बेसिकली क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये रो को जब जी से मल्टीप्लाई कर दो ना, बस वही हो गया आपका गामा, आगे बात समझ में। तो अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, डेंसिटी की यूनिट क्या थी, केजी पर मीटर क्यूब थी, और जी क्या है, फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस थ्री से ये हो जाएगा टू, ये कट गया, सेकंड स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमने अगर इसको डिवाइड नहीं किया, ये मैं यहाँ बता देता हूँ नीचे, ये तो हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन की वैल्यू होती है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताया था मैंने ऊपर, याद रखो बरखुरदार, ऐसे छोटी छोटी बातें भूलोगे तो कैसे चलेगा, है जयन में नंबर लाना है भैया, मेहनत करो, याद वाद रखो छोटी मोटी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये उस, ये हो गई इसकी SI यूनिट, ये हो गई MKS, और हमें क्या पता है MKS यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, चलो डायमेंशन निकालो। केजी के लिए क्या आ जाएगा, M, मीटर स्क्वायर के लिए L, 2, सेकंड के लिए T, 2, डायमेंशन क्या आ गई यहाँ से,
डायमेंशन आ गई एम एल माइनस टू टी माइनस टू। चलो भैया, तो ये डायमेंशन पूछी जाती है, ये मैं लिख देता हूँ ऊपर डायमेंशन। आगे बात समझे, देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो क्वेश्चन चाहे वो कैसे भी घुमा दे आप उसका कान मरोड़ ही दोगे। आई बात समझ में, तो अपना कंसेप्ट को बिल्ड करो। मैंने कोशिश यही करी है कि मैं कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट देने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बोर हो रहा हो तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। बोर तो क्यों हो गया यार, इतना मस्ती मजाक करते ही पढ़ते हैं यार, वरना है बिल्कुल यार सलेक्शन लेना है आपकी बार, ठीक है। ऐसे मौज मस्ती करते नहीं चलेगा काम। ये हो ही गया हमारा, चलो इसके बारे में कुछ और थोड़ी बताना है मुझे, नहीं बताना, चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं विस्कोसिटी। चलो भैया, अब जो भी भाई या बहन जिसको नींद आ रही हो, भैया उठ जाना, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। वो तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट था, मतलब वहाँ से सवाल बनने की संभावना थोड़ी कम ही है, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी देखो आपको पता भी होगा वैसे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इतना अवेयर होंगे, फिर मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसके बीच में। देखिए जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है ना, ये अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर ये मैं मान लूँ कि ग्राउंड सरफेस है, तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा ना यहाँ पर, वो किस तरह होगा, वो लेयर्स के अंदर फ्लो हो रहा होगा इस तरह से। तो विस्कोसिटी क्या होता है, जो ये और क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो हमेशा तेज चल रही होती है एज कम्पेयर टू जो लेयर बाउंड्री के पास है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बाउंड्री के पास कौन सी लेयर है, ये वाली, तो मतलब इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी तेज चल रही होगी। अगर ये पार्टिकल थोड़ा सा तेज जा रहा है तो इसके नीचे वाला पार्टिकल क्या बोलेगा इसको, भैया कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा रुको है। ये पार्टिकल अगर थोड़ा सा तेज जा रहा है और ये अगर इस स्पीड से जा रहा है, ये क्या बोलेगा इसको, अरे भैया थोड़े से धीरे चलो यार, है हमको ही ले चलो। ये भी कोशिश करेगा, ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देगा उसको, या नहीं नहीं यार मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। तो वही रेजिस्टेंस जो दो एडजेसेंट लेयर के बीच के अंदर ड्यूरिंग द फ्लो पैदा होता है, उसी को बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। आई बात समझे, चलो तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी की बात कर लें अगर हम, किस केस में, गैसेस के केस में। गैसेस के केस में क्या होता है, वो होता है रैंडम मोशन। और लिक्विड के केस में क्या होता है, क्या होता है, कोहेशन। कोहेशन और एडहेशन तो पता होगा ना आप लोगों को, नहीं पता चलो बता देते हैं, चलो खाली पेज भी चलो अभी बताते हैं। देखो एडहेशन जो होता है ना, एडहेशन क्या होता है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है उसी को बोलते हैं एडहेशन। मतलब ये कोई पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा ना उसको बोलेंगे एडहेशन। और कोहेशन क्या होगा, कोहेशन हमेशा लगता है सेम पार्टिकल के बीच में। अगर ये ए पार्टिकल है और ये ए पार्टिकल है, मतलब ये दोनों सेम पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, उसी को बोलेंगे कोहेशन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। तो विस्कोसिटी इतनी ही है, कोई खास है नहीं इसके अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेन थ्योरी की। शियर स्ट्रेन थ्योरी थोड़ा सा अब आप लोग अपने कान खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। शियर स्ट्रेन थ्योरी, देखिए शियर स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलता है कि ये कोई दो पार्टिकल है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ये पार्टिकल है ए, ये है पार्टिकल बी। तो मैंने बताया था कि ये मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो लेयर होता है वो हमेशा थोड़ा सा तेज चलता है या फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू नीचे वाली जो लेयर होती है उसके कंपेरिजन में। तो टी इज इक्वल टू डी टी पर, टाइम पर, ये अगर पार्टिकल यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा वेलोसिटी, मतलब यू प्लस डी यू मान लो। डी टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे ये, चलो अभी बताते हैं कितनी कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यार ये छोटे मोटे सवाल भी पूछोगे तुम लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, छोटे पूछो या सवाल बड़े पूछो, सवाल तो सवाल होते हैं। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी
यू इंटू डी टी, इसके पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो जाएगी ये भी यू डॉट डी टी, और ये कितना हो जाएगा डी यू डॉट डी टी। अभी हम पूछना सर ये कैसे कर लिया आपने, अरे दिख रहा है यार ये यू प्लस डी यू इसकी स्पीड थी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग कर दिया मैंने। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इस डिफ्लेक्शन को नाम दे देते हैं हम डी थीटा। यहाँ से लिख दो क्या टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर क्या है डी यू डॉट डी टी, बेस कितना है ये डी वाई है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी वाई है, चलो डी वाई लिख दो। आगे बात समझ में, अब हमें क्या पता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो थीटा ही हो जाती है, और वही मैं बता देता हूँ अगर आपको साइन थीटा के केस में अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो ज़ीरो हो जाती है, और कॉस थीटा के केस में अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है या थीटा टेंड्स टू ज़ीरो होता है तो हो जाती है वन। तो ये छोटे मोटे सवाल याद रखने चाहिए आपको, बेसिक मैथ से ये तो पता होनी ही चाहिए। तो अगर टेन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा डी यू डॉट डी टी बाय डी वाई के, थीटा टेंड्स टू ज़ीरो कर दिया मैंने भी यहाँ पर, तो डी थीटा किसके बराबर आ गया डी यू डॉट डी टी अपॉन में डी वाई, इस डी टी को उठाओ यहाँ फेंक दो, डी थीटा बाय डी टी किसके बराबर आ गया डी यू बाय डी वाई के। चलो भैया यही होती है आपकी शेयर स्ट्रेन थ्योरी, इतनी सी ही है आपकी शेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब इनका थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं हम, नामकरण क्या हो जाएगा इनका, जो डी थीटा बाय डी टी है ना इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। डी यू बाई डी वाई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये मैं सिंबल बना दिया, अगर कोई भाई या बहन नोट्स बना रहा है तो वो मेंशन कर लेना इसको। फिर चलिए हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। देखिए न्यूटन बाबा क्या बोल के गए, न्यूटन बाबा ने ये कहा कि दो लेयर्स है जो फ्लो हो रहा है, इनके बीच के अंदर कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस भी तो जनरेट हो रहा होगा। शेयर स्ट्रेस कब जनरेट होता है, जीत सर पढ़ा रहे हैं ना सोम, बताया होगा उन्होंने शेयर स्ट्रेस, देखो जीत सर हाँ बोल रहे हैं मतलब पढ़ा दिया उन्होंने। तो शेयर स्ट्रेस हमेशा दो स्लाइडिंग फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस को हम एक तरह से स्लाइडिंग फोर्स की वजह से जनरेट हुआ स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर स्लाइडिंग ही हो रही है लेयर्स के बीच में। तो न्यूटन बाबा बोल के गए जो टाऊ होगा शेयर स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी यू बाय डी वाई के। इसको मैंने क्या लिखवाया था अभी ऊपर, वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखवाया था ना, तो भैया यही बोल के गए थे न्यूटन बाबा कि जो शेयर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या फिर किसके एंगुलर डिफॉर्मेशन। अभी हमने बात करी थी ना शेयर स्ट्रेन थ्योरी से, ये किसके बराबर होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर भी तो होता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी के बराबर। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं एक कांस्टेंट कूद के आ जाता है बीच में, चलो बिठा दो कांस्टेंट को यहाँ पर, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया बैठ गया बीच में। तो इस कांस्टेंट का नाम होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, समझे बरखुरदार, तो ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब इसी के बारे में पढ़ लेते हैं हम, चलो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू की तो यूनिट हमारे को कैलकुलेट करनी है, डी यू मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, वाई मीटर में होगा, इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बच गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया म्यू, वन अपॉन एस, एस को ऊपर इधर भेज दो, तो म्यू की यूनिट क्या आ गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये कैसी यूनिट हो गई इसकी एस आई यूनिट। अब चौकन्ने हो जाना सारे जने क्योंकि जो इंटर कन्वर्जन अभी बताऊंगा ना मैं यूनिट्स का
वहीं से सवाल बनता है और हमेशा बनता है। अगर एफएम का सवाल आ रहा है ना आपके सब कोई भी एग्जाम के अंदर, तो यहाँ से 110 क्या 200% सवाल बन के आता है, मतलब दो सवाल बन के आते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब क्या करते हैं, हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू सेकंड मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या आ गया केजी मीटर सेकंड। ये कौन सी यूनिट हो गई, एम के एस। और मैंने क्या बताया था, एम के एस यूनिट आते ही क्या करना है आपको, डायमेंशन निकाल लेना है। केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल माइनस वन, टी माइनस वन। चलो भैया ये डायमेंशन आ गई किसकी, म्यू की डायमेंशन आ गई ना। अब इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, सी जी एस में। सी जी एस में कन्वर्ट करते ही किलोग्राम की जगह लिख दोगे ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड थोड़ी सी जी एस में चेंज हो जाता है। अब इंटर कन्वर्जन, अब हो जाना चौकन्ने सब, यहाँ है कन्वर्जन का असली मजा। 1 ग्राम के अंदर कितना होता है किलोग्राम, 10⁻³ हो गया। 1 सेंटीमीटर में तो यहाँ पर केजी आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10⁻², मीटर सेकंड के लिए तो 1 ही रहेगा तो सेकंड। यहाँ से जब हमने काटा पीटी करी तो क्या मिला हमें, ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर सेकंड किसके बराबर आ गया, 1/10 केजी मीटर सेकंड। अब भैया जो सी जी एस यूनिट होती है ना, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइज, समझे। ये यूनिट होती है सी जी एस, और के जी मीटर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड लिख सकते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था ना आप लोगों को, ऐसा यूनिट जो थी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम पास्कल लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड हो गया। चलो लिख दो यहाँ पर, तो हमें यहाँ क्या मिला, पॉइज, वन पॉइज इक्वल टू आ गया 1/10 पास्कल सेकंड। अब यहां से जो ट्रिक है वो क्या है, एक के पास 10, क्या हो गया पेन कैसे अटक गया, पर चलो रे चल गया 10 पैसे। ठीक है देखो भैया, ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, नहीं, सबसे बड़ा नहीं है पैसा, ठीक है ये सिर्फ ट्रिक है। तो एक के पास 10 पैसे, ये आपको इंटर कन्वर्जन की ट्रिक हो गई। एक यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आपको बता ही चुका, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। चलो आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आपको कहीं काइनेमेटिक वर्ड नजर आ जाए ना, तो आप ये समझ जाना कि वहां पर ज्यादातर केस में फोर्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैसे तो काइनेमेटिक एनालिसिस के अंदर कभी भी फोर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ फोर्स एक्सेलरेशन मोशन या फिर हम मान लेते हैं एंगुलर मोशन को ही कंसिडर किया जाता है, काइनेमेटिक के अंदर कभी भी फोर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू में से फोर्स को हटा दो, म्यू में से फोर्स को किस तरह हटा सकते हैं हम, म्यू है उसको डिवाइड कर दो किससे, डेंसिटी से, क्या आ गया, इसको बोला जाता है न्यू। न्यू क्या होता है, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आ गया बरखुरदार समझ में, चलो यूनिट निकाल लो इसकी। म्यू की यूनिट क्या आई थी देख लो ऊपर, क्या आई थी, क्या निकाली थी हमने, ये निकाली थी ना केजी अपॉन में मीटर सेकंड, लिख दो केजी अपॉन में मीटर सेकंड अपॉन में क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब, केजी से केजी को उड़ा दिया, इस क्यूब से क्या उड़ा दिया, स्क्वायर बन गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पर, मीटर स्क्वायर सेकंड। आई बात समझ में, अरे आई या नहीं आई बरकरदार बता दो यार।
तो ये मीटर स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर सेकंड हो गई ना, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, और यही हो गई इसकी एमकेएस यूनिट। और जैसे एमकेएस यूनिट आई, क्या निकाल सकते हो आप? डायमेंशन। चलो डायमेंशन निकाल लो इसकी, क्या हो जाएगी? मास है नहीं यहाँ पर, सॉरी, एल टू टी माइनस वन हो गई ना, हो गई? नहीं हो गई? क्या बात है यार, हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आपको एक बात बता देता हूं मैं, इसकी सी जी एस यूनिट की बात कर लें। देखिए सी जी एस में क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो गया, सेकंड वन ही रहेगा, तो सेकंड यहाँ से क्या मिला हमें? अब जो सी जी एस यूनिट है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको बोला जाता है स्टोक। आई बात समझ में? तो वन स्टोक किसके बराबर होता है? 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सी जी एस मतलब एम के एस जो यूनिट है, उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। वहां पर तो क्या पास्कल सेकंड था, पास पास रह के भी दूर रहो। चलिए ये हो गया आपका। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। पॉइंट तो क्या, बेसिकली ये जनरल इन्फॉर्मेशन ही है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है ना, उसमें क्या करते हैं, ये लिख देते हैं सेंटी स्टोक। आई बात समझ में? तो सेंटी, जैसे यहाँ पर वर्ड सेंटी देखते हैं ना, कई बच्चे सेंटी हो जाते हैं, तो भैया सेंटी नहीं होना है, हम बैठे हैं ना आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ट्रिक मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया, नहीं बताई, देखते हैं। मैं खड़ा हूँ कहाँ पर? DCM, जयपुर में एक जगह है DCM, तो मैं खड़ा हूँ DCM। एम क्या हो जाएगा? 10^0। भाई एक मीटर में तो इंटर कन्वर्जन देखना है हमारे को, कि इसको मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ऊपर जाओगे तो एक एक पावर बढ़ाते जाओ 10 की, 10^3। नीचे आओगे तो क्या, 10^-3, वो सॉरी -1, 10^-2, 10^-3। आ गई नहीं आ गई समझ में? याद रहेगा ना अब तो, केवल इसको याद रखना है। क्या है? मैं खड़ा हूं DCM, इसको आगे फेंक देना है। समझे बरखुरदार? चलिए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्या बनता है, कई बार क्या करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरह से बना देते हैं, क्या डायग्राम उसको दे देते हैं, क्या μ1 μ2 μ3। अब हमको क्या पता है टाउ किसके बराबर होता है? चलो इसको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। जो टाउ हमने निकाला था न्यूटन्स लॉ की मदद से, वो क्या था? म्यू DU/DY, इसको हटा देना है यहाँ से, अलग है म्यू DU/DY। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx से, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाउ। नीचे क्या हो जाएगा? DU/DY। आ गया, आ गया समझ में? तो अब यहां से क्या पता चलता है हमको, कि म्यू जो होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका म्यू भी ज्यादा। मतलब यहां पर जो ये μ1 है ना, इसका डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर। और इसका जो एक बेसिक ग्राफ आपको सब जगह देखने को मिलता है, वो क्या है? ये हो जाता है म्यू एयर, म्यू ऑफ वाटर, और ये म्यू ऑफ ऑयल। समझे? अरे क्या बात है यार, क्यों नहीं समझोगे, बड़े समझदार लोग आप तो यार, समझोगे समझोगे। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। देखो लिक्विड्स में क्या होता है ना, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोहेजन फोर्स डिक्रीज होने लग जाती है। कोहेजन फोर्स डिक्रीज होगी मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। भाई रेजिस्टेंस ही तो कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब विस्कोसिटी भी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। मैंने बताया था विस्कोसिटी इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हुआ तो विस्कोसिटी भी तो कम हो गई। तो लिक्विड के अंदर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस,
म्यू डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी का रीजन होता है वो क्या होता है? कोहेजन होता है ना। और गैसेस के केस में हम बात कर लें, अगर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसमें कौन था रिस्पॉन्सिबल? रैंडम मोशन। तो गैसेस के अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, रैंडम मोशन और बढ़ जाता है, मतलब जो म्यू की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। गैसेस के अंदर क्या रीजन था विस्कोसिटी का? रैंडम मोशन। आई बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही? क्या बात है, आ रही है तो बिल्कुल मुस्कुराइए। आप स्टडी विद सिविल बडी पर है, हैं? बिल्कुल मुस्कुराइए। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भैया बड़ा टेंशन है। चलो खाली पेज के पास चलो वापस। ये क्या है? कोई एक टैंक है आपके पास। तो अगर कोई यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसके ऊपर जो कोहेजन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, साइड में इस तरह से लग रहा होगा भाई, चारों तरफ से कवर्ड है ना पार्टिकल, अलग सेम पार्टिकल्स से, तो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में है। पर जो पार्टिकल यहाँ पर ऊपर होगा, उसके ऊपर जो फोर्स बैलेंस होगा कहाँ पर होगा? यहाँ पर और यहाँ पर। सिर्फ यही तो फोर्स बैलेंस हो पाएगा इसका भाई। एक फोर्स बैलेंस हुआ यहाँ पर, एक यहाँ पर हो गया, पर यहाँ पर जो लग रहा है वो तो बैलेंस नहीं हो पाया, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और जो बैलेंस हो रहा है फोर्स, वो क्या करेगा? एक टेंशन जनरेट कर लेगा भाई, एज अ पुली बन जाएगा ना एक छोटा सा भाई। सीरीज ऑफ फोर्सेस को ही तो हम पुली बोलते थे भाई, एक सीरीज जिसके अंदर हर पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से बैलेंस होता है फोर्स की कंडीशन में। आगे बात समझ में आ गई क्या? चलो बढ़िया बात है, आ गई। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, उसी टेंशन को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अरे यार आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे टैंक वगैरह जो ओपन टैंक रहते हैं उसके अंदर कभी कभी क्या है, मच्छर या मक्खी आके पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। आप बैठो देखें, आप तो नहीं बैठ पाओगे, आप तो अंदर चले जाओगे। अब वो क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि उनका जो वेट होता है ना वो काफी कम होता है कि वो सरफेस टेंशन जो लग रहा है उसको ब्रेक कर सके। तो वो उस सरफेस टेंशन की वजह से ही उस सरफेस पे रुक पाते हैं, वाटर सरफेस पे ठहर पाते हैं या रुक पाते हैं। चलिए, टेंसाइल फोर्स हो गया, ये डेफिनेशन है वैसी जो मैं आपको बता दिया। और जो ये सरफेस होता है, हाँ ये पॉइंट मैं भूल गया बताना, जो सरफेस बनता है ना ये हमेशा कहाँ बनेगा? टू इमिसिबल लिक्विड के इंटरफेस पे बनेगा। आई बात समझ में? अब दो इमिसिबल लिक्विड क्या हो गया? आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया और एयर मान लो हवा। तो हमें क्या दिखता है? एक सरफेस दिखता है ना ऊपर, पानी का सरफेस नजर आता है। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एयर और वाटर आपस में इमिसिबल है, समझे? इसीलिए हमें सरफेस नजर आ रहा है। तो वहीं पर सरफेस टेंशन भी लग जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू। सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या होती है इसकी वैल्यू? फोर्स अपॉन में लेंथ। बस इतना सही है। डायमेंशन वगैरह इसकी देखो पूछी नहीं जाती है, डायमेंशन और निकालने से मतलब भी नहीं है, फालतू की मेहनत है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन में मीटर हो गए ना, न्यूटन अपॉन में मीटर। तो यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन में मीटर। डायमेंशन आप खुद निकाल के रख लीजिएगा, क्यों सारी मेहनत हमारे से करवाते हो यार, आपको और कुछ ज्ञान दे देते हैं हम जब तक। अब बात करते हैं हम प्रेशर इनसाइड बबल, ड्रॉपलेट और लिक्विड जेट। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर ड्रॉपलेट, पेन लेते हैं ब्लैक, पहले ब्लू से बना लेते हैं। फिर देखिए ये क्या है? एक ड्रॉप है। अरे यार मस्त बन गई ड्रॉप एकदम। इसको आपने क्या करा? यहाँ से काट दिया। अब आपको क्या दिखेगा? आप इसको रख कर देख रहे हैं ऊपर से, यहाँ क्या दिखेगा आपको? कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा अंदर। और ये क्या है? इंटरफेस है लिक्विड का और गैस का, यानी एयर का और वाटर का इंटरफेस है ये। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन भी लग रहा होगा।
तो यहां पर कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन लग रही होगी, लग रही होगी। अब हम क्या मानते हैं कि बैलेंस कंडीशन मान के चलते हैं हमेशा, इक्विलिब्रियम ही तो मानते हैं हम। तो इस जो ये प्रेशर अंदर है, प्रेशर फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा यहां पर, कौन कर रहा होगा जल्दी बताओ। ये अभी क्या बनाया मैंने यहां पे, सरफेस टेंशन फोर्स, वही बैलेंस कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स किस तरह कैलकुलेट होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या हो गया यहाँ से, प्रेशर फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया। चलो भैया प्रेशर फोर्स क्या आ गया हमारे पास, पी इंटू एरिया। एरिया क्या है, सर्कुल। अगर ये हम इसको ड्रॉपलेट को मान लें स्फेरिकल और डायमीटर मान लें इसका डी, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं हम, डेरिवेशन की बात आ गई। तो पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन में एल लेंथ। फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। तो सिग्मा इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पर, लेंथ ये पूरी है ना, ये इस तरह से, तो क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से सरकमफ्रेंस ही तो है ये, एक तरह से सरकमफ्रेंस ही है। तो पाई इंटू डी, पाई से पाई हट गया, डी से डी स्क्वायर हट गया। तो जो सिग्मा आपका यहाँ निकल के आया, या फिर हम सॉरी इसको निकालते हैं, प्रेशर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, फोर सिग्मा अपॉन में डी। आ गया समझ में। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर एक जेट की बात कर लें, ये कोई जेट है, आपने क्या करा, ये पाइप जा रहा था, इसको काट दिया, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, काटने के बाद जो आपको नजर आ रहा है, आपको रेक्टेंगुलर फेस नजर आएगा, इस तरह से कुछ फेस नजर आ रहा होगा आपको। अगर इसको मैं मान लूँ बी और इसको मैं मान लूँ डी, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको कैसे आ जाएगा, वही। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, ये तो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो जो सिग्मा लग रहा होगा वो कहाँ कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, और कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पर। आगे बात समझ में, चलो वापस चलो, प्रेशर फोर्स को बैलेंस कर दो, पी इंटू बी इंटू डी किसके बराबर आ गया, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, एक डी इधर है, एक डी इधर है, तो टू डी। यहां से पी क्या निकल के आया, डी से डी उड़ गया, तो पी निकल के आया टू सिग्मा अपॉन में बी। या फिर हम इसको क्या मान लेते हैं, डी को तो मान लो आप लेंथ, और इसको मान लो क्या, डायामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डायमीटर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कट गया, ये एल एल, एल से एल कैंसिल हो गया। पी फॉर लिक्विड जेट क्या आ गया, टू सिग्मा बाय डी। और ऐसे ही किसके केस में आ जाएगा, ड्रॉपलेट, ओ सॉरी बबल के केस में आ जाएगा। बबल के केस में क्या हो जाएगा, जो बबल का केस, देखो आपको डेरिवेशन तो आएगा नहीं, तो ज़्यादा मेहनत मत करो यार, मैं अभी रटवा देता हूँ आपको। चलो रट्टा लगाते हैं, कैसे रटते हैं देखो, आपको क्या करना है, बबल रेशियो, ड्रॉपलेट रेशियो, लिक्विड जेट लिख लेना है। आई बात समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, बी दिख रहा है कुछ, आपको क्या करना है, एक ड्रॉपलेट का सिर्फ और सिर्फ याद रख लेना है, जो मैंने ड्राइव कराया था, क्या आया था, फोर सिग्मा बाई डी, फोर सिग्मा अपॉन में डी आया था ना, प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉपलेट, फोर सिग्मा बाई डी आ गया था। तो आपको क्या रखना है, ये क्या है, बी, बी कौन से नंबर पे आता है, ए बी दूसरे नंबर पे आता है, तो जो बी दूसरे नंबर पे आता है उसको लिख दो यहाँ पर, डी कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर, इसको लिख दो यहाँ पर। एल क्या है, हमें एल कुछ ना कुछ एक वन की जैसे लगता है, बनाते हैं तो भाई एल देखेंगे तो किसके जैसे लग रहा है, वन के जैसे लग रहा है देखने में, तो यहाँ पर लिख दो वन बस। अब आपको करना क्या है, ये फोर सिग्मा बाय डी टू की जगह रख दो और रेशियो निकाल लो, रेशियो सेम रखना है आपको, बस एक को याद करो, तीन फॉर्मूले याद हो गए। देखो यही होती है स्मार्ट स्टडी, जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा याद करवा देगी चीज़ें। फिर बात कर लेते हैं हम कैपिलैरिटी, शायद ये हमारा आखिरी ही प्रॉपर्टी बची है। चलो बढ़िया, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड।
चलो भैया खाली पेज की बात चलते हैं वापस। वेटिंग नॉन वेटिंग फ्लूड क्या होता है? देखिए आप क्या करेंगे, ये कोई सरफेस है, आपने अगर एक ड्रॉप गिरा दी इसके ऊपर, तो एक तो ड्रॉप पानी की जैसे आप गिराते हो ड्रॉप, वो किस तरह से हो जी, जैसे आपने गिराई तो वो पूरी फैल जाती नीचे। तो यहाँ पर जब आपका एंगल देखोगे जो इसने बनाया है वो कितना बनाएगा, इस पर टेंजेंट डाल दो, एंगल जो बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो अगर आपका ऐसा केस होगा कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वेटिंग फ्लूइड, समझे बिरखुरदार। और अगर जैसे आप मरकरी की बात कर लें, तो आप जैसे उसको आप जमीन पे सरफेस पे गिराते हो ना, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉपलेट बना लेता है। तो इसका जो एंगल सबस्टेंडेड आप देखोगे कितना बन रहा है, यहाँ देख लो कहीं ना कहीं ये 90 से ज़्यादा है, 90 डिग्री है या नहीं है। तो ये कौन सा फ्लूइड हो गया, नॉन, सॉरी नॉट क्यों लिख दिया मैंने, नॉन वेटिंग फ्लूइड। आ गया बरखुरदार समझ में, क्या बात है यार, समझदार होते जा रहे हो आजकल, है बहुत तेज हो रहे हो। चलो अब जो एक बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पूछा गया था कि थीटा ऑफ एच जी होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, वो करता है 135 से 148 डिग्री। ये आपको याद करना है, ये इंक्लूडेड है, यानी 135 भी हो सकता है और 148 भी हो सकता है। एक बार पूछा गया था, और वैसे देखो सारे ऑप्शन जो उसके अंदर दे रखे थे ना क्वेश्चन के अंदर, वो 90 से कम ही थे, बाकी एक ही ऑप्शन था जो 90 से ऊपर का था। तो अगर आपको बताया कि जो मरकरी होता है वो किस नेचर का है, नॉन वेटिंग नेचर का है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। चलिए अब कैपिलरिटी राइज और फॉल का केस। देखिए कैपिलरिटी राइज आपको कब देखने को मिलती है, कैपिलरिटी क्या होता है वो बता देता हूँ मैं, मैंने आपको वेटिंग नॉन वेटिंग तो बता दिया। कैपिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, ये कोई टैंक है आपके पास, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है यहाँ का। आपने क्या करा, एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, जिसका डायमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर से कम है। जैसे आपने उसको इसमें इंसर्ट किया तो क्या हो गया, लिक्विड या तो राइज कर जाएगा, किस केस में, अगर वो वेटिंग है, समझना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, किस केस में हो जाएगा, ये वेटिंग फ्लूइड के केस में हो जाएगा। और फॉल किस केस में हो जाएगा, नॉन वेटिंग के केस में। और मैं जो ये डायग्राम के अंदर बना रहा हूं ना, इसको बारीकी से देखना, ये मैंने कैसा बनाया है, कॉन वेक्स अपवर्ड, और ये कैसा है, कॉन केव अपवर्ड। तो आपसे पूछ लेते हैं कॉनकेव अपवार्ड किस केस में होता है, ये कैसा है कैपिलरिटी राइज की कंडीशन, ये कैसा है कैपिलरिटी फॉल की कंडीशन, समझे। तो ऐसी छोटे मोटे अंटू पंटू भी पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है ये सब। अब बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्मूला की, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला है जो दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है, और मैं डेरिवेशन इसकी करूंगा नहीं, कोई मतलब है नहीं करने से। तो यहाँ पर देख लें, ये क्या जो सरफेस टेंशन लग रही होगी वो कुछ इस तरह से लग रही होगी, एंगल बन रहा होगा यहाँ पर थीटा। अगर ये राइज जो हुई है वो कितनी है, एच राइज है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो एच की जो वैल्यू होगी ना राइज के, राइज और उस दोनों के केस में यही होती है, वो होती है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी। चलो बता ही देता हूँ यार आप लोगों, वरना फिर कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर ने आधी अधूरी बात बताई है। तो वो क्या होता है, आपको क्या करना है, जो वेट दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, आपको इसी को बैलेंस करना है किससे, ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये सिग्मा, ये सॉरी सिग्मा जो यहाँ से लगेगा ना उससे बैलेंस करना है। तो इसका कंपोनेंट ले लो, सिग्मा कॉस थीटा,
कहां से लग रहा होगा? पाई डी से। तो सिग्मा कॉस थीटा डॉट पाई डी से लग रहा होगा, बराबर क्या हो जाएगा? वेट, वेट कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम पाई बाई 4 d² इंटू एच। यहाँ से जब आप थोड़ा तोड़ोगे मरोड़ोगे तो ये आ जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए यहाँ पर हमारा कैपिलरिटी का भी समापन हो जाता है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, 4 sigma cos theta अपॉन में रो जी डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक अच्छी ऑडियंस की तरह हमारा वीडियो शांति से देखने के लिए, और जो पहले लेक्चर पे आप लोगों ने प्यार बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं 1 रुपये का, अगर आप हमें जो एप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो आप नंबर्स पे जो स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं उन पे डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।